नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। इधर बदायूं में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत। बदायूं के कुंवर गांव में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। कार, टेम्पो और ट्रक की बढ़त में यह हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल जाकर दम तोड़ दिया। वहीं एक घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर मुरादाबाद के बेसिक स्कूलों में निःशुल्क किताबों का वितरण कार्य हुआ शुरू। जिले के सभी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित की जा रही हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया, जनपद के सभी स्कूलों में किताबों का वितरण करने के साथ कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक कर रहे हैं काम। इधर मुरादाबाद में कोरोना काल के बाद से बंद साप्ताहिक बाजार पुनः लगवाए जाने की मांग को लेकर फल विक्रेताओं ने कलेक्टर पर किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इधर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश ने कोरोना काल में व्यापारियों पर कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री को संबोधित, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा, उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के दौरान लगभग 2 से 2.5 लाख व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों को सरकार अपने वादे के मुताबिक ले वापस। इधर मुरादाबाद में पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल के पदाधिकारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। दिए गए ज्ञापन में उठाई गई समस्याओं का नहीं हुआ समाधान तो होगा बड़ा आंदोलन। इधर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित प्राथमिक विद्यालय गांधी पार्क में 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की हुई शुरुआत। जनपद के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्राइमरी शिक्षा की जानकारी देने के लिए शुरू किया गया है काम। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को आने वाले समय में स्कूलों में प्रवेश देने के बाद नहीं होनी चाहिए समस्या। इधर आज रामपुर में मटका फोड़कर किया पानी घोटाले का भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ों का घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया उजागर। रामपुर में सरकार के घोटाले के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। इधर मुरादाबाद में विद्यालय खुलने के बाद विद्यार्थी व शिक्षकों की गई कोरोना वायरस की जांच। विद्या निकेतन इंटर कॉलेज सरसावा हरचंद में सभी छात्राओं के साथ शिक्षक व शिक्षिकाओं की भी की गई कोरोना वायरस की जांच। इधर उत्तर प्रदेश सरकार पर जल जीवन मिशन योजना में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला की रहने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर पर किया अनोखा प्रदर्शन। मटकी फोड़कर घोटाले का किया भंडाफोड़। घोटाले को अति गंभीर बताते हुए CBI से जांच कराने की उठाई मांग। इधर मुरवा रेलवे डिवीजन में सीनियर DCM रेखा शर्मा के स्थानांतरण होने के बाद सुधीर सिंह ने संभाला कार्यभार। सीनियर DCM सुधीर सिंह ने कहा, रेल यात्रियों किसान रेल विभाग को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा काम। मुरवा जनता से सीनियर DCM ने की सहयोग की अपील। इधर मुरवाद के सिविल लाइन स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय उत्तरी रेल मजदूर यूनियन के साथ रेल प्रशासन की बैठक हुई संपन्न। यूनियन के सदस्यों ने मुरादाबाद डिवीजन की अनेक समस्या रेलवे प्रशासन के सामने रखी, कई समस्याओं का हुआ समाधान। बैठक में रेल प्रबंधक अजय नंदन ने सभी यूनियन के पदाधिकारियों से की अपील, कोविड-19 गाइडलाइन का सभी लोग करें पालन। इधर मुरादाबाद के जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह पहुंचे जिला चिकित्सालय, किया निरीक्षण। जिला अस्पताल के कोविड-MCH हॉस्पिटल के लिए लाए गए जनरेटर व नव निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण। CMO महिला अस्पताल की CMS डॉक्टर शिव सिंह व डॉक्टर राजेंद्र कुमार रहे मौजूद। इधर नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा हाईवे के चौड़ीकरण में लाई गई तेजी। दिल्ली रोड बागड़पुर स्थित हाईवे के अंडरपास पुल के निर्माण में प्रगति। बुधवार को पुल के पिलर रखने का कार्य किया गया प्रारंभ। इधर खेतों की निराई गुड़ाई में जुटे किसान परिवार सरकार से लगा रहे हैं राहत की उम्मीद। मानसून में हो रही देरी के चलते इंजन से सिंचाई करने को मजबूर हुए किसान परिवार, सरकार द्वारा जनहित में जारी योजनाओं का भी नहीं मिल रहा है लाभ। इधर थाना सिविल लाइन के चक्कर की मिलक रामगंगा के नदी के किनारे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा जनमानस से की गई अपील, भवन निर्माण कराने से पहले मानचित्र की करा लें स्वीकृति, अन्यथा उनके खिलाफ भी होगी कार्यवाही। इधर दिल्ली रोड स्थित मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में मानचित्र की प्रगति के लिए प्राधिकरण की ओर से लगाया गया शिविर। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सचिव भी रहे मौजूद। जनमानस से भी उनके द्वारा की गई अपील, भवन निर्माण कराने से पहले प्राधिकरण से जरूर करा लें मानचित्र स्वीकृति। इधर मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत चक्कर के मिलक रामगंगा किनारे पहुंचे नगर निगम की टीम ने चलाया बुलडोजर।
रामगंगा किनारे बने हुए घरों को नगर निगम की टीम ने तोड़ा। स्थानीय निवासियों ने किया विरोध, भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। स्थानीय निवासियों ने कहा, जमीन खरीदने के बाद घर की कराई है रजिस्ट्री, हमारा घर नहीं है अवैध। मौके पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट ने सभी को दिया आश्वासन। इधर मुरवाद रेलवे स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क के पद पर तैनात मेघना सिंह का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ चयन। अब ऑस्ट्रेलिया की पिच पर दौड़ेगी मुरादाबाद की मेघना एक्सप्रेस। इधर मुरादाबाद के जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने कैंप कार्यालय पर जिला आयुष सोसाइटी मुरादाबाद की गठित समिति की बैठक, मौजूद अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। इधर मुरादाबाद पुलिस की एंटी रोमियो टीम द्वारा जिन पर मुरादाबाद के गली मोहल्लों चौराहों बाजारों व बस स्टैंड आदि स्थानों पर जाकर महिलाओं बालिकाओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा वुमेन पावर लाइन 1090 यूपी 112 महिला हेल्पलाइन 181 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 इत्यादि नंबरों के बारे में दी गई जानकारी। इधर मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर अमित कुमार आनंद द्वारा थाना मझोला का निरीक्षण किया गया तथा थाने पर प्रचलित अभिलेखों को चेक कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।